कि आज रात जीतेगा कौन? जजेस, जूनियर्स, मम्मीज, कोई तो हेल्प कर दो यार। आई डू। बताओ ना। मैं आपको लिए एक पोएम बना, मतलब बताती हूँ। हाँ। उसमें ना एक नाम छुपा है। हाँ। आप गेस करना है कौन सा नाम। आई एम वेरी गुड एट इट। आप बोलो। एक मिनट। इट्स वेरी इजी। हाँ, ओके, ध्यान से सुनो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। बस मम्मी जी, बस। बच्चे को गुब्बारा और वाही को इशारा काफी है। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यानी सबसे लिटिल, सबसे छोटे स्टार की बात हो रही है, और सबसे छोटी है सुगंधा। तो सुगंधा, तो क्या सुगंधा जीतने वाली? सुगंधा जीतने वाली है। सुगंधा, सो प्लीज प्लीज ले जाओ इसको यहाँ से, प्लीज। सिक्योरिटी, ठीक है, जा रहा हूँ यार, क्या हो गया? लेट्स हियर इट फॉर सुगंधा दाते, जिसे अब तक दांत नहीं आते। जोरदार तालियां हो जाए सुगंधा के लिए। आपको पता है आप कितना अच्छा गाते हैं? किसने बताया आपको? सर तो बहुत बार बोले। कितनी बार बोले सर? सुगो एक बार थैंक यू बोलियो जरा। थैंक यू। किस चीज के लिए? प्रियंका क्या कहना चाहेंगी? मैं इसको घर ले जा सकती हूँ? प्लीज। आई हैव नेवर एवर बीन सो शॉक्ड इन माय लाइफ। मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरे शब्द नहीं होते, यू नो। मैं काफ़ी बात करती हूँ, आज मेरे नहीं। आई एम स्पीचलेस। आई कैन नॉट बिलीव कि एक 8 साल की बच्ची इस तरह गा सकती है। यू आर रियली ब्लेस्ड फॉर दैट।
अगला गाना लोग 40 साल से गुनगुना रहे हैं और 400 सालों तक गुनगुनाते रहेंगे। 1972 की फिल्म शोर का गीत एक प्यार का नगमा है। वाह, एक प्यार का नगमा है। फाइव वर्ड्स प्लीज करण। फाइव से कुछ तो कनेक्शन है। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू। प्लीज बैठ जाए। अरे सर बैठ। थैंक यू करण, आपने पांच तक गिन लिया। मतलब इस मंच पे जो आपको सीख मिली है ये आपके साथ ता उम्र रहेगी। क्या बात है, वाह। कनेक्शन सोचिए फाइव के साथ है। 1 2 3 4 5 उन रण मून नाल अंज। सर इट्स वेरी सिंपल। कितनी बार बोलूं अंजना आ जाओ।
प्यारेलाल जी, कैसी लगी अंजना की ये परफॉर्मेंस? बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने, बहुत अच्छा, बहुत सूझबूझ से एक एक बोलों को समझ के गाया उन्होंने। एक प्यार का नगमा, अब नगमा है न तो क्या वो, एक प्यार का नगमा है, सेम गा रहा हूँ मैं, लेकिन एक प्यार का नगमा है मौजों की, ये सब चीज जो गा रही है वो कौन है? क्या बात, माँ है, सरस्वती माँ है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अंजना, आपको पता नहीं आप क्या चीज हो। फ्यूचर में आप गाएंगी ना, तब बहुत सारे होंगे जो कहेंगे कि मुझे अंजना की तरह गाना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अंजना, क्योंकि आप किसी का स्टाइल कॉपी नहीं करती हो। दिस गर्ल इज गोइंग टू बी स्पोकन अबाउट व्हेनेवर दे मेंशन द म्यूजिक ऑफ दिस कंट्री। Absolutely. Thank you. I love your voice. I just love your voice. आपकी आवाज़ इतनी खास है, इतनी यूनिक है और इतनी खूबसूरत है, इट्स अनबिलीवेबल। मेरी मतलब दुआ है कि आप बस सीखती जाओ, बढ़ती जाओ, बिकम द ग्रेटेस्ट सिंगर यू कैन बी, और कभी इसका एहसास खुद को मत होने दो। गुड लक। थैंक यू सो मच सर। सच में ये तुम पर लागू होती है कि तुम एक अद्भुत प्राणी हो, और उसमें ये पता चला, यू नो व्हाट शी सेड, शी सेड यू आर एन एलियन। दैट्स एक्चुअली ट्रू, यू आर नॉट फ्रॉम दिस प्लैनेट, यू आर एन एलियन विद टू आईज। नो, इट डजंट मीन एलियन, इट मींस यूनिक एलियन स्पीशीज। या स्पीशीज। सुनो, जैसे इन्होंने भी कहा आपको बहुत लोग फॉलो करेंगे, और सबसे ख़ास बात आपकी ये लगती है मुझे कि आपकी आवाज़ में एक हल्की खराश है, वो बड़ी क्यूट खराश है। इट एड्स दैट मैजिक, इट एड्स दैट टेक्सचर टू योर वॉइस। ब्लेस यू, बहुत खास हुआ। थैंक यू श्रेया जी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।